हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गरम मसाले। जिसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए बहुत सारे गरम मसाले। हर घर का अपना एक अलग गरम मसाला होता है, तो हम मार्केट स्टाइल का मसाला यहाँ पर घर में ही बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए सबसे कॉमन इंग्रेडिएंट है, वो है धनिया और जीरा। मैंने यहाँ पर एक कटोरी धनिया का इस्तेमाल किया है। मैं इसे लो फ्लेम पर 60-70% ही भूनूंगी। अगर हम ज़्यादा धनिया को भूनेंगे तो वो जल जाएगा, इसीलिए हमें इसे 60-70% ही भूनना है। और अब ये भून चुका है तो मैं इसे किसी प्लेट में निकाल लूंगी और ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब तक ये ठंडा हो जाएगा, हम बाकी मसालों को भूनना स्टार्ट। 4 चम्मच सफ़ेद जीरा। जीरा दो तरीके का होता है, एक सफ़ेद और एक सिया, जिसे हम काला जीरा कहते हैं। अब हम 1 चम्मच काला जीरा ऐड करेंगे और 2 चम्मच काली मिर्च, पत्थर का फूल, दालचीनी के 2 स्टिक्स, 8 से 10 हरी इलायची, 8 से 10 लौंग, 1 फूल चक्री, 4 से 5 तेज पात, 3 बड़ी इलायची और 1 जावित्री। अब हम इन सारे चीजों को 60-70% ही, इन्हें भी हम इसी तरीके से भूनेंगे। हम इन्हें ज़्यादा नहीं भूनेंगे वरना ये जल जाएंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तो मैं इन्हें भी इसी तरीके से ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब हमारे जो सारे मसाले अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो तभी हम इन्हें ब्लेंडर जार में डालकर ब्लेंड करेंगे। हम गरम मसालों को कभी ब्लेंड नहीं करेंगे। अगर हम गरम मसालों को गरम गरम ही ब्लेंड करेंगे तो इसका जो सारा एसेंशियल ऑयल है वो जल जाएगा। इसीलिए अब सारे मसाले जो है हमारे वो अच्छी तरीके से ठंडे हो चुके हैं, तो मैं इन्हें अच्छे से अब ब्लेंडर जार में डालकर ब्लेंड करूँगी। हमें ये याद रखना है कि कभी भी हमें गरम मसालों को गरम नहीं पीसना है। अब मैं सारे मसाले एक एक करते हुए ब्लेंडर जार में डालकर इन्हें ब्लेंड करूँगी। मैं इन्हें अच्छी से पाउडर शेप में, पाउडर फॉर्म में मैं इन्हें ब्लेंड करूँगी। तो अब हमारा गरम मसाला बनकर रेडी है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। मार्केट में जो मसाला होता है ये उससे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला है और स्ट्रॉन्ग खुशबू वाला। आप इसे 1 से 2 महीने तक आराम से किसी एयर टाइट कंटेनर में, किसी ग्लास जार में या फिर किसी प्लास्टिक जार में इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आप हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।